तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि अपने न्यू यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, ये दोस्तों रिव्यू में कैसे भेज सकते हैं। ओके, जब मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर रहा था, करने वाला था, तो दोस्तों मुझे लगा यार कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालूं, ताकि दोस्तों जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उनकी भी हेल्प हो सके और दोस्तों उनको भी ये वीडियो भविष्य में काम आएगा। तो इसलिए दोस्तों आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आपके YouTube चैनल पर भी 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है एंड 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपना चैनल मोनेटाइज कैसे करना है, जैसे कि मैंने मोनेटाइज किया है। एंड दोस्तों, मेरा चैनल जो है मोनेटाइज केवल 3 दिनों के अंदर अंदर मोनेटाइज हो चुका है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने अपना चैनल कैसे मोनेटाइज किया, कैसे रिव्यू में भेजा कि मेरा चैनल जो है लगभग 3 दिनों में ही मोनेटाइज हो गया। एंड दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब मैंने अपने चैनल को रिव्यू में भेजा था, उसी टाइम उसी दिन मेरे एक दोस्त ने भी ये अपने चैनल को रिव्यू में भेजा था, तो दोस्तों उसका अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन मेरा चैनल जो है 3 दिनों में ही मोनेटाइज हो गया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाला है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। एंड दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। एंड दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आपको इसे डेस्कटॉप साइट पर खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसे खोल लेता हूँ डेस्कटॉप साइट पर। एंड दोस्तों, डेस्कटॉप साइट पर खोलने के बाद आपको सिंपली यूट्यूब पर जाना है, या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं youtube.com। ओके, तो मुझे यहीं है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। एंड दोस्तों, सर्च कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। तो आपको करना क्या है, जो ये आपके चैनल है, चैनल के लोगों पर जाना है। एंड योर चैनल है, तो योर चैनल पर जाना है। एंड योर चैनल पर जाने के बाद दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन आता है कस्टमाइज चैनल का। ओके, तो आपको इस कस्टमाइज चैनल पर ओके करना है। एंड कस्टमाइज चैनल पर ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, तो मैं इस पर जाता हूँ। और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों, जो मोनेटाइजेशन का रूल है, ये अगस्त में ही, मतलब कि 25 अगस्त के बाद कुछ अपडेट आए हुए हैं। तो अब मोनेटाइजेशन के टैब पर कुछ इस तरह से पेज आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप चार चीज़ देख पाएंगे, पहला तो आपके सब्सक्राइबर, एंड दूसरा होता है वॉच टाइम, एंड दोस्तों तीसरी चीज़ होती है 2-स्टेप वेरिफिकेशन, और चौथी चीज़ होती है एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन। तो फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताने वाला था, तो यह थी, यदि आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन एक्टिव है कोई, ठीक है ना, अभी प्रेजेंट में। एंड दोस्तों, अभी आपके चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है और सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा जब तक कि आपकी जो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, यानी कि जो स्ट्राइक होती है, जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाती। ओके, तो ख़त्म हो जाने के बाद फिर दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो चलिए फिर मैं सिंपली अप्लाई नाउ के ऑप्शन है यहाँ पर, तो मैं अप्लाई नाउ कर देता हूँ। एंड दोस्तों, अप्लाई नाउ पर करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। ओके, तो आपको इन 3 ऑप्शन को, यानी कि 3 क्राइटेरिया हैं, इनको कंप्लीट करना है। तो पहला है चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। ओके, तो स्टेप 1 है। एंड दोस्तों, स्टेप 2 है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, और स्टेप 3 है गेट रिव्यू। तो दोस्तों, जो 3रा ऑप्शन होता है, इसे आपको कुछ नहीं करना होता, आपको केवल 2 ही स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहला होता है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम, तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो सिंपली यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। एंड स्टार्ट करने के लिए दोस्तों, आपके सामने एक कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, तो सिंपली आपको इसे स्क्रोल अप करना है। एंड स्क्रोल अप करने के बाद दोस्तों, इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। ओके दोस्तों, आपको इसे फिल करना है। एंड दोस्तों, आपको यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म्स पर ओके कर देना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ओके करने के बाद अब दोस्तों, आपने जो है ये काम करने के बाद रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स ओके कर दिया है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है, ये डन हो चुकी है। ओके, एंड दोस्तों, ये डन होने के बाद आपको स्टेप 2 कम्प्लीट करना है, तो मैं यहाँ भी स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ स्टार्ट पर करने के बाद आपको यहाँ कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। तो आपको जो, यदि आप मोबाइल पर कर रहे हैं, तो आपको स्क्रीन छोटी ही रखनी है, क्योंकि यदि बड़ी करते हैं तो दिक्कत जाएगी थोड़ी सी, तो स्क्रीन छोटी रखनी है, यानी कि जूम आउट नहीं करना है, जूम इन में ही काम करना है। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपसे
पूछा जाता है यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एडसेंस टू कम्प्लीट दिस स्टेप। ओके, तो आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि क्या आपके पास गूगल एडसेंस ऑलरेडी है, और यदि नहीं है तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास गूगल एडसेंस है तो आप यहाँ से डायरेक्ट गूगल एडसेंस को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ मैं कह दूंगा कि येस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, यानी कि मेरे पास पहले से अकाउंट है, और यदि आपके पास नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते नो आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट। ओके, तो फिलहाल दोस्तों मैं येस पर क्लिक करूँगा। दोस्तों येस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों मैंने जूम आउट किया था तो ये दिक्कत आ गई, फिर से बैक हो गया। ओके दोस्तों मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड दोस्तों यहाँ पर जाता हूँ और मैं येस पर करता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि कौन से जो है जीमेल अकाउंट से आपने पहला एडसेंस बनाया है। तो दोस्तों वही एडसेंस यानी कि वही जीमेल अकाउंट आपको ऐड करना है यहाँ पर, जिस भी जीमेल अकाउंट से आपने गूगल एडसेंस बनाया है, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरे जो गूगल एडसेंस है ये मूवीज विद रामकृष्ण वाला है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। दोस्तों ओके करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से स्क्रोल अप करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर ओके करने के बाद तो दोस्तों आपको सिंपली एक्सेप्ट एसोसिएशन पर ओके कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पर ओके करने के बाद आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देना है। ओके, एंड दोस्तों आप देख सकते हैं यदि आपके पहले से गूगल एडसेंस है तो आपको ये बेनिफिट होता है कि जो इस गूगल एडसेंस की प्रोसेस होती है 3-4 दिनों की है, 24 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है आजकल लगभग, ठीक है ना। तो यदि आपका पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट है तो आपका जो गूगल एडसेंस बनाने की प्रोसेस होती है ये पहले से कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि तुरंत ही कंप्लीट हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली लिंक्ड एंड गूगल एडसेंस, यानी कि जो आपका गूगल एडसेंस है वो लिंक हो चुका है। एंड दोस्तों यदि आपके पास गूगल एडसेंस नहीं होता तो अभी आपको अप्लाई करना पड़ता, फिर उसके बाद दोस्तों आपका गूगल एडसेंस बनता, फिर आपको यहाँ पर लिंक होता, ठीक है ना। अब दोस्तों आपका सिंपल ये है कि जो स्टेप तीसरा है, अब ये सिंपली इन प्रोग्रेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इन प्रोग्रेस। ओके, अब आपका चैनल जो है चेकिंग में जा चुका है, यानी कि रिव्यू में जा चुका है। अब दोस्तों जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो दोस्तों आपको एक ईमेल आएगा, यानी कि जीमेल में एक जीमेल मैसेज आएगी, तो वहाँ पर आपको शो हो जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको चलकर दिखाता हूँ कि मोनेटाइजेशन होने के बाद कैसी ईमेल आती है। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख सकते हैं, ये कांग्रेचुलेशन यू बीन अप्रूव्ड। ओके, तो 30 अगस्त को ही आ चुकी थी दोस्तों ये, मतलब कि 12 बजे के पहले आई है, शाम में तो आई नहीं दोस्तों ये, जब मैं जाग रहा था 9-10 बजे, ये 12 के पहले आई है 30 अगस्त को ही। ओके, तो लगभग 3 दिन में ही अप्रूव हो चुका है मोनेटाइजेशन। आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन यू बीन अप्रूव टू ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे कि जो ये वीडियोज़ हैं मेरे, तो इस पर अभी एडवर्टाइजमेंट यानी कि एड आना बंद है, ठीक। तो फ्रेंड्स एक बार आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको अपने सभी वीडियोज को अपडेट करना पड़ता है। ओके, तो फ्रेंड्स जब आप अपने यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज को अपडेट कर देते हैं तो उसके बाद आपके वीडियोज पर एड्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है तो वो आना शुरू हो जाता है। एंड दोस्तों उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स यदि आपको अपडेट करते नहीं आता तो दोस्तों मैंने उसका वीडियो एक अलग से बना रखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को देख करके आप लोग अपने यूट्यूब वीडियोज पर एड्स लगा सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।